23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, फिर 26 जनवरी को भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा दिवस जिसमें अंग्रेज का थाना तहसील नामदारी सिक्का इस देश से हटने का संबंध। तो गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने भारत भूमि के बारे में, भारत के बारे में, भारतीय स्वाधीनता संग्राम, उनकी क्रांतिकारी जीवन और उसका कल्कि भवन की लीला के साथ संबंध, और सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस पर उनका ये कल्कि भवन की लीला से संबंध, उसके बारे में जो भी वर्णन है हमारे साहित्य में। तो गुरु जी लिखते हैं, अब उन्होंने लिखा है पंडित महाप्रसाद जी के पत्र में, अवतारों और उनके साथ में आने वाले अवतारों की कथा बड़ी दुखदर होती है, उनके साथ में आने वाले सखा पार्षद भक्तों की कथा बड़ी दुखदर भरी होती है, आने वाली पीढ़ियां उन कथाओं को पढ़ पढ़कर प्रेरणा लिया करती है। तो हमने देखा भगवान कृष्ण के धराधाम त्याग के बाद कलयुग का शासन होता है पृथ्वी पर, और तब से भगवान महाविष्णु की प्रेरणा से भारतवर्ष में गौओं ब्राह्मणों के सनातन धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर भगवान के द्वारा भेजी गई विभूतियां, भक्त, पार्षद, अवतारी पुरुष आए, और इन 5000 वर्षों में भगवान महाविष्णु की प्रेरणा से जिसके बारे में गुरु लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, यति सती रणसूर और दानी वसुधा के रत्न महान, यति भक्त ज्ञान, बहुत सारी बड़ी श्रृंखला है, सब के नाम नहीं लिए जा सकते यहाँ पर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास, समर्थ रामदास, नरसिंह मेहता, जयदेव, सूरदास जी, माधवाचार्य, निर्भागाचार्य, मुक्ता मीराबाई, मुक्ताबाई, कबीर, नानक और असंख्य अनगिनत भक्त, सती वीरांगनाएं, समाक्षी संतोष की मूर्तियां, रानी भवानी, रानी अहिल्याबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती और सूरमा जैसे छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, बंदा बैरागी और दानी पुरुष जैसे भामाशाह वगैरह जैसे समय समय पर भारत भूमि पर आए। और फिर उसमें इसी में श्रृंखला में जो 1835 में भारत में जैसे अंग्रेजी शिक्षा का पदार्पण हुआ, और उस समय अंग्रेजों की राजधानी जो कलकत्ता हुआ करती थी, तो रामकृष्ण परमहंसदेव का जन्म कलकत्ता के समीप 1836 में अपनी विभिन्न विभूतियाँ भक्तों साथ में लेकर आए और धर्म और भक्तिभाव की स्थापना की, और भक्ति प्रेम मार्ग का प्रचार करके हिंदू धर्म का पुनरुद्धरण किया, माँ काली की उपासना करके माँ शक्ति को जागृत किया। और उसी समय जो भगवान महाविष्णु ने अपने अवतार लेने का जो संकल्प लिया और वाल्मीकि जी को बताया, और इनके आशीर्वाद से कैसे स्वामी विवेकानंद द्वारा पाश्चात्य जगत को धर्म आचरण या संघार का जो संदेश दिया गया, तो उसके बारे में जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी लिखते हैं और प्रवचन में कहते हैं कि कलयुग अपने शास्त्रों की, पुराणों की मर्यादा का उल्लंघन करके लाखों वर्ष आगे निकल गया, हमारे ब्राह्मण, साधु, सन्यासी धोखे में रह गए कि कलयुग के 4,32,000 सभी बाकी पड़े। तो उस समय हिंदू जाति और हिंदू धर्म के सर्वनाश का उत्तम देखकर, क्योंकि जो गुरु जी लिखते हैं कल्कि अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु के उस लेख में जो लिखते हैं कि सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी हिरण्यकश्यप और रावण कंस के मारने वाले, गौ ब्राह्मण और धर्म की रक्षार्थ युग युग में अवतार लेने वाले शीर सागरवासी भगवान महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने समय की परवाह न करके बिना बुलाए कल्कि रूप धारण करने का संकल्प लिया, बालमुकुंज के रूप में ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया, अपने अवतार धारण करने के रहस्यमय लीला का अनुभव दिया, और कलयुग की बच्ची को जी शेष आयु को काटने के लिए कल्कि भगवान के पूजन, नामोच्चारण, प्रचार करने का आदेश दिया, और कल्कि भगवान की नूतन आश्वासन की प्रसन्नता का नगाड़ा बजवाया, संस्कारी भक्तों को पूर्वजनों के नाम बताकर उन्हें प्रेम का संचार करके मालाएं जपाई। तो यदि कल्कि भगवान ने अत्यंत करुणा से समय के मर्यादा को तोड़कर कल्कि भगवान के अवतार लेने का निर्णय न लिया होता तो हमारे पास हजारों लाखों मील तक, वर्षों तक इसी प्रकार कठोर यातनापूर्ण संघर्ष करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। जो गुरु जी जो लिखते हैं कि कल्कि भगवान के अखंड नाम जप से पीछे तलवार चलाने वाले अगणित ईश्वर कोटि के कल्कि भगवान के भक्तों, क्रांतिकारियों जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और बहुत सारे जो क्रांतिकारी संग्राम में लोग आए, गुरु जी लिखते हैं कि कल्कि नाम की साधना से गौ ब्राह्मणों की बैरियों को विध्वंस करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए नवीन शक्तियों का सृजन हुआ, जिन्होंने कल्कि भगवान की कल्कि नाम की महिमा में जो वर्णन लिखा उन्होंने। तो गुरु जी ने एक प्रवचन में जो कहा था,
देखते नहीं रामलीला में मालाएं सटकारते चले जाते हैं तो पीछे तलवार चमकती चली जाती है। जहाँ मालाएं जपी जाती है वहाँ तलवार चलाने वाले आ जाते हैं। तो इसलिए जो तलवार चलाने वाले जो आए क्रांतिकारी संग्राम में, शिवाजी से लेकर राणा प्रताप और फिर क्रांतिकारी संग्राम में जो आए सुभाष चंद्र बोस, गुरु जी के साथ के जब क्रांतिकारी लोग थे, तो यहाँ पर जो उल्लेख है कि कुछ लोग माला करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, और कुछ जो भगवान की शक्तियाँ आती हैं, और अभी आप देख रहे हैं भारत के राजनीति में भी भगवान के द्वारा भेजी गई शक्तियाँ किस प्रकार भगवान के आने का वातावरण खड़ा कर रही हैं, भगवान की लीला के लिए योग्य वातावरण का यहाँ पर जो वो हो रहा है भारत भूमि में, जिसका गुरुजी ने वर्णन इस प्रकार किया। कल्कि भगवान के अवतार लेने पर भगवान कल्कि की म्लेच्छ विध्वंसकारी लीला प्रकट हुई, युद्ध पर युद्ध की काली घटाएं आसुरी दानवी संसार पर मंडराई, निराशा दूर हुई, भारत का भाग्य चकमका, अपमानित बप्पत दलित देश सर्व सम्मानित हुआ, 800 वर्ष का टूटा सोमनाथ मंदिर बना। तो गुरुजी ने सोमनाथ मंदिर का उल्लेख किया, पर उसी प्रकार उसी श्रृंखला में जो मंदिरों का भी जो हो रहा है, काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या, अंग्रेज का थाना ऐसे थाना तहसील अमलदारी सिक्का हटा, वो भारत का झंडा ले रहा है। गुरुजी यहाँ पर ये लिखते हैं कि ये है कल्कि भगवान की पूर्वार्ध लीला, उत्तरार्ध आगे की लीला। जो भाग्यवान प्राणी कल्कि नाम में लगे रहेंगे वो आगे की लीलाएं देखेंगे। तो हमको जो देखने को मिल रहा है जिसके बारे में गुरुजी लिखते हैं, जो कल्कि भगवान की लीलाएं देखो बगल में दबाओ। वापस उसी जो बात है कि अवतारों उनके साथ में आने में जो कथा है दुग्धर भरी होती, तो कल्कि मंडल के भक्त भक्ताओं चारों युगों के रामायण महाभारत काल के प्राचीन ऋषिमुनि देवताओं विभिन्न रूपों में आए और बड़ी दुख और संघर्ष भरी जिंदगी जीकर उन्होंने भक्ति और प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया, हिंदू धर्म की रक्षा में सहायता की। उनके जैसे उन्होंने नाम लिया हम लोगों ने इन सबों के, उन्होंने भक्ति मार्ग की रक्षा की, कोई छत्रपति शिवाजी बनकर मां भवानी के वरदान के तलवार से लड़कर बड़ी वीरता से मुग्र प्रतिकार किया, तो कोई राणा सांगा बनकर सैकड़ों घावों को उन्हें झेला, बंदा बैरागी ने बोटी कटवाई, कभी गोविंद गुरु गोविंद सिंह ने अपने संतानों को यवनों द्वारा दीवारों में चुनवाने पर भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया, राणा प्रताप ने जो घास की रोटियां खाना स्वीकार किया पर मुस्लिमों की गुलामी स्वीकार नहीं की। तो ये जो सब उदाहरण भगवान के साथ में आने विभूतियां की और उनका जो संबंध है फिर कल्कि भगवान की, ये जिसका गुरु जी जो कहते हैं कि कुछ तलवारें जब मालाएं जपी जाती हैं तो तलवार चलाने वाले जो लोग आ जाते हैं, और इसी प्रकार जो गुरु जी जो लिखते हैं कि कल्कि भगवान के काम में जुड़ने से पहले जो उन्होंने निर्णय लिया क्रांतिकारी काल में रहकर भारत की स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने का और अंग्रेजों को इस भूमि से हटाने का, तो लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा सबसे बढ़िया फिर जब कल्कि मंडल में लगने के बाद जो कहते हैं कि सबसे बड़ा मैंने, तो इसमें उनको जो बालमुकुंजी से जो मिला वरदान, लिखते हैं गुरु जी कि जब से गुरु महाराज ने कल्कि भगवान का मंत्र दिया और कहा इस अवतार का 12 टोपी अंग्रेजों से बैर है, ये लोग धर्म के गवों के शत्रु हैं, उसी समय से अंग्रेजी पढ़ाई छोड़कर संस्कृत का पढ़ना, तो उस समय जो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और किस प्रकार वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के दाहिने हाथ बने, हम आगे देखेंगे कि रास बिहारी बोस ने किस प्रकार भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया और सुभाष चंद्र बोस के लिए भारतीय जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो संस्थापना में जो मदद की। तो गुरु जी जो लिखते हैं कि दिल्ली के मास्टर अवध बिहारी पढ़ाने के लिए पिताजी के अवसर नियुक्त थे, अवध बिहारी का विचारों का प्रभाव पड़ने लगा। अवध बिहारी जी ने कहा देश का काम करना चाहिए, देश में से विदेशी विधर्मियों को निकालना है, अपने वीरों का इतिहास पढ़ना और पढ़ाना है, स्वदेशी माल खरीदना है, उसी का प्रचार करना है, हम लोग बीज की तरह गल जाएंगे तो हमारे बलिदान के प्रभाव से काम करने वाले अगाड़ी पैदा होंगे। तो गुरु जी ने यही निश्चय किया कि बस यही काम सबसे बढ़िया काम है, और अंत इस काम में लगते लगते उनको फिर रास बिहारी बोस से उनका जो संपर्क हुआ, तो इसमें गुरु जी लिखते हैं कि अंदर कल्कि नाम का जब पूजन चलता रहा, बाहर क्रांतिकारी दल का काम चलता रहा, 3 दफा तलाशी हुई, 3 बार गिरफ्तारी हुई। जब पहले दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी लॉर्ड हार्डिंग बम केस में पकड़ा गया 15 दिन के लिए, तो सब जो अनुभव हुआ उनका जो वर्णन करते हैं उसकी भी हम कथा आगे देखेंगे
कि कैसे ये क्रांतिकारी संघर्ष में ये कथा का क्या महत्व है। तो जो उनका जो अनुभव था कि फांसी के तख्ते पर खड़े हैं, हाथ पैर बंधे हैं, इतने में गुरु महाराज आए, पूछा क्या बात है, मेरे मुंह से निकला फांसी का हुक्म हुआ है। सुनते झिड़क कर बोले हट किसका हुक्म, मैंने जो ही जोर किया लोहे के बंधन टूट गए, फांसी के तख्ते से कूद कर आगे आगे हरे हरे खेत व गंगा की धाम। हम देखेंगे किस प्रकार गुरु जी के साथ के जो साथी थे सभी को फांसी या आजन्म कारावास हुआ, सिर्फ गुरु जी उसमें से बच गए। उसमें ये जो अनुभव जो बताता है कैसे कल्कि भगवान के आशीर्वाद से, बालम कुंजी के आशीर्वाद से कैसे उनका फांसी का ये फांसी का हुक्म जी। दूसरा जो फिर उन्होंने अनुभव देखा, सुबह स्वप्न देखा, शाम को मित्र आया, बोला तलाशियां होंगी दिल्ली में, एक पुलिस वाले से पता लगा। सुनते ही खतरनाक सामान क्रांतिकारियों का जो मेरे पास था अपने पास से दूसरी जगह हटा दिया। तो जो गुरु जी को जो कल्कि भगवान द्वारा ये अनुभव द्वारा ये जो लीलाओं का और आगे से जो मार्गदर्शन मिलता था, तो ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण हुआ उनके लिए, उन्होंने ये सब सामान हटवा दिया उनके पास जो, क्योंकि जो उनके पास बम का जो बम का उपयोग किया गया था लॉर्ड हार्डिंग 2200 पर डालने के लिए, जिसके संबंधी सामान मिलने से उनके साथ के जो अवध बिहारी और अमित चंद को जो फांसी वगैरह हुई, गुरुजी पास भी वो बम का आधा हिस्सा था। पर यदि ये जिस पर हमने देखा कैसे उन्होंने वो सब सामान हटा दिया, वो नहीं हटाया था। सुबह 4 बजे पुलिस ने घेर लिया, तलाशी ली, पकड़ कर ले गए। इष्टदेव से कल्कि भगवान को नमस्कार करके पुलिस के साथ चल दिया। सिविल लाइन की हवालात में पहुंचकर कल्कि भगवान से कहा, महाराज आपने अवतार लिया है भूमि का भार उतारने के लिए और हम लोग पकड़े जा रहे हैं लावारिसों की तरह। ये कहते कहते ही बैठे बैठे नींद का झोंका आया। अंगुश प्रमाण गुरु महाराज की क्रोध से भरी होठ फड़ हुई मूर्ति बोली, भैया थोड़े दिन सबर करो, तहस नहस कर दूंगा। 2 दिन उपरांत हवालात में स्वप्न देखा, एक विशाल का ब्राह्मण बदन लगाए मुझे गोदी में लिटाए, मिठाइयों अपने हाथ से मुंह से खिला रहे। ये दोनों स्वप्न मैंने अपने ऊपर कल्कि भगवान की कृपा प्रसन्नता सूचक समझे। दूसरे दिन हवालात में जो सिपाही मेरे मकान की तलाशी में आए थे बड़ी सहानुभूति दिखाई, बाजार से वही मिठाइयां जो स्वप्न में ब्राह्मण रूपी परब्रह्म के हाथ से खा चुका था तल लाकर मुझे दी। पहले इनकार किया, बाद में स्वप्न का ख्याल आते ही शत्रु की जेल में ये शुभ शगुन समझकर मैंने मिठाई खा ली और 19 दिन के बाद छूट गया। जेल में पहुंचते ही बनारस कांफ्रेंस के इसके सब साथियों से कहना प्रारंभ कर दिया, खाली मत रहो, कल्कि कल्कि करो, कल्कि कल्कि करने से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, कल्कि नाम के उच्चारण से भारत स्वतंत्र होगा, कलयुग के स्तंभ स्वरूप गौ ब्राह्मण गौ घातक गोविंद के अपमानकारी असुरों पर मार पड़ेगी, कल्कि भगवान की म्लेच्छ विध्वंसकारी लीला प्रकट होगी। तो ये फिर जो गुरु जी इसका संबंध लिखते हैं, ये जो क्रांतिकारी जीवन का और उनके कल्कि भगवान के भक्ति के साथ, कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कार्तिक परिवार मेरा जन्म हुआ, माता पिता पूर्ण तन्मयता से भगवती जगन माता में लगे हुए थे, उनके पूजन पूजन के प्रभाव से स्वप्न होते थे जिससे उनको होनहार बातों का आभास हो जाया करता था और वो सत्य हो जाया करते थे। ये मेरे साथ भी होने लगा, मेरे को ज्ञात होने लगा कोई अज्ञात शक्ति है जो मेरा विश्वास बढ़ा रही है और मेरे को आंतरिक अंतर्मुखी वास्तविक सत्य की तरफ आकर्षित कर रही है। और क्रांतिकारी की खोज करते करते महान क्रांतिकारी श्री कल्कि भगवान महाराज का साक्षात्कार हो गया। तुमने देखा किस प्रकार गुरु जी को भी इस प्रकार के अनुभव से उनको तो उनके जो साथ के क्रांतिकारियों का क्या हुआ, तो उनके साथ जो अविध बिहारी जो थे जिनसे ये पढ़ा करते थे उसके बारे में जो वर्णन है कि इनको ये लॉर्ड हार्डिंग बम केस में उनको गिरफ्तार किया गया और दिल्ली षड्यंत्र केस के अभी चलाकर उन पर मास्टर अमीर चंद अवध बिहारी इन सबको मौत की सजा हुई और इनको 1915 में अंबाला जेल में फांसी पर लटका दिया गया। ये अवध बिहारी जी का था, जो अमीर चंद जो थे जिनके साथ भी गुरु जी काम करते थे और ये अब मास्टर अमीर चंद राज बिहारी बोस जो थे उनके साथ काम करते थे और मास्टर अमीर चंद की वजह से ही गुरु जी का फिर राज बिहारी बोस के साथ संपर्क हुआ। तो बंगाल में क्रांतिकारियों के बढ़ते दबाव के कारण अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित किया। तब राज बिहारी बोस ने अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई और इस योजना में के क्रियान्वित करने में मास्टर अमीरचंद और गुरु लक्ष्मीनारायण जी का महत्वपूर्ण योगदान था। उसका जो वर्णन है पुस्तकों में कि
ये मास्टर अमीरचंद, ये अवध बिहारी चांदनी चौक में 23 दिसंबर को पंजाब नेशनल बैंक के पास के एक भवन में उनके बैठने का इंतजाम किया गया। और जब ये 2200 की जो सवारी निकली तब 2200 पे बम डाला गया। और फिर इसके अंदर मास्टर अमीरचंद को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। और उस समय उनके बम के अवशेष, बम बनाने की सामग्री और क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुआ। हम जैसे हमने पहले देख चुके हैं कि ये सब चीजें गुरु लक्ष्मीनारायण जी के घर पर भी थी, पर उन्होंने वो अनुभव की वजह से उन्होंने घर से हटा दी थी। उनके साथ में और जो साथी भी धीरे धीरे गिरफ्तार किए गए, उन पर मुकदमा चला और ज्यादातर सभी को फांसी की सजा हुई। और ये जो आज का जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है उसके सामने साथ में जो एक शहीद स्मारक है वहां पर इन लोगों को स्मारक बनाया गया, क्योंकि वहां पर ही आई थी उनकी फांसी दी गई थी। फिर गुरु जी ने जो वर्णन किया है कि उस समय कैसे वो अपने सावधान लिया करते थे क्रांतिकारी पत्रों का, क्योंकि उनको राजबिहारी बोस, जिनका बहुत बड़ा नाम था, राजबिहारी बोस ने एक अपने हस्ताक्षर करके गुरु जी के अपनी पुस्तक भेंट की थी। गुरु जी ने पुस्तक को घर पर लाकर किताब का कोना वो फाड़ दिया जहाँ पर राजबिहारी बोस के हस्ताक्षर थे। यदि वो कोना न फाड़ते और हस्ताक्षर सहित यदि किताब मिलती तो गुरु जी को भी वही सजा होना असंभावित था, क्योंकि इससे पता चल जाता कि गुरु जी का संपर्क था राजबिहारी बोस के साथ। तो हमने देखा कि इस पर जो दोनों जो अनुभव थे, गुरु जी के जो अनुभव जो थे, एक जिसमें एक में उन्होंने बाल मुकुंद जी को देखा, एक में पार्वम परमेश्वर ने उनको मिठाई खिलाई। तो यहां से हम इस पर आते हैं राजबिहारी बोस पर, जो राजबिहारी बोस का जो योगदान था। राजबिहारी बोस को ये लॉर्ड हार्डिंग बम केस के बाद में पुलिस उनके जो पीछे पड़ी, तब उन्होंने फिर ये उनको समझ में आया कि भारत में रहना उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, तो वो भारत छोड़कर जापान पहुंचे और जापान में भारत देश की आजादी के लिए काम करने लगे। और उन्होंने 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो स्थापना की, ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से फिर आजादी हिंद फौज की रचना हुई, जो फिर सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। भारतीय लोग जो लड़ रहे थे अंग्रेजों के नीचे जापान के सामने, जापान के मोर्चे पर, बर्मा के मोर्चे पर कई भारतीय युद्धबंदियों को पकड़ा गया और जापान सरकार ने युद्ध कैदियों जो थे भारतीय उनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और सैन्य शाखा के रूप में शुरू में राजबिहारी बोस ने इसका संभाला। और जैसे ही सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे, इस उसी ढांचे को सुभाष चंद्र बोस ने फिर आजाद हिंद फौज की रचना की। तो ये जो संबंध है गुरु लक्ष्मी नारायण जी राजबिहारी बोस के साथ काम किया उन्होंने, और यही राजबिहारी बोस ने जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की रचना में मदद की, जिसमें फिर सुभाष चंद्र बोस ने उस आजाद हिंद फौज की वजह से क्योंकि जो गुरु जी का एक जो दूसरा जो अनुभव था कि जब जेल में उनको क्रांतिकारी लोग पूछते थे कि आप सब लोगों को अकर्मण्य बना रहे हैं, ये सब लोग मालाएं जपेंगे तो फिर बम कौन बनाएगा, फांसी पर कौन चढ़ेगा, तब गुरु जी ने ये कहा था कि पता नहीं पलटने जमीन फाड़ कर निकलेगी आसमान से निकलेंगी, पर ये काम होगा अवश्य। तो ये पलटन है जो द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ, और द्वितीय विश्वयुद्ध में अंग्रेजों की जो पराजय, एक प्रकार से जो पराजय हुई, जिसकी वजह से अंग्रेजों की परिस्थिति यह थी कि वो भारत पर उनको काबू रखना उनके लिए मुश्किल था, और उसमें भी जब आजाद हिंद फौज की वजह से द्वितीय विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद में भारतीय सेना ने जो गदर विद्रोह किया, तब अंग्रेजों को समझ में आया कि अब भारतीय सैनिकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से भारत पर हमारा शासन रखना मुश्किल है। तो जिसकी वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि अब भारत को छोड़ना उनके लिए जरूरी है। तो इसके साथ हम सुभाष चंद्र बोस की कथा पर आते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जो ये नारा जो दिया था जय हिंद का, और उन्होंने जो आजाद हिंद फौज के गठन के समय जो प्रवचन में जो कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा था उनका वो बहुत ही प्रचलन में है। और सुभाष चंद्र बोस की जो कथा है, जीवन कथा है, कि किस प्रकार उनका जो चयन हो गया था इंडियन सिविल सर्विस में, वो चयन होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजी गुलामी नहीं करने की उनका जो निर्णय था, जिसकी वजह से उन्होंने वो नौकरी को ठुकरा दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें हिस्सा लेने का निश्चय किया, और उनको जो जुनून था भारत को आजाद करने का। तो जैसे गुरु जी लिखते हैं कि अंग्रेज का शत्रु कुत्ता भी हो तो उससे भी मित्रता करना उचित समझता था, तो उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस को ही
अंत तक उन्होंने ये था कि अंग्रेज के शत्रु कोई भी हो उनकी उनके साथ मित्रता करके वो भारत को स्वतंत्र जो आजाद करना चाहते थे। तो हमने देखे देख चुके हैं पहले यहाँ पर भी वीडियो में कि किस प्रकार उन्होंने भारत से छोड़कर बहुत ही मुश्किल खतरनाक यात्रा करके अफगानिस्तान के रास्ते से रशिया गए, वहाँ से जर्मनी गए और फिर वहाँ से जापान गए। इन सभी के दौरान जो एक खतरनाक जो यात्रा थी उनकी, तो ये जो बहुत सी बार ये जो प्रश्न उठता है कि भारत की आज़ादी किस वजह से हुई, क्या गांधी जी द्वारा चलाए गए, कांग्रेस द्वारा चलाए गए स्वाधीनता संग्राम से हुआ, या उसमें सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का क्या क्या योगदान था, तो इसके बारे में एक जो प्रसंग है। भारत जब आजाद हुआ तब जो भारत इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जिनका नाम रिचर्ड एटली था, वो 1945 से 1951 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और उनकी उसी दौरान भारत को स्वतंत्रता मिली। और ये अपना समय जो प्रधानमंत्री का खत्म होने पर 1956 में वो कलकत्ता आए थे। तो कलकत्ता में उस समय के जो एक हाईकोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट थे उनके घर पर ही रुके थे। तो उस हाईकोर्ट के जज के साथ उनकी जो बातचीत थी उसका एक पुस्तक में वर्णन है। तो वो लिखते हैं, जो हाईकोर्ट के जज लिखते हैं कि मैंने इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनको ये प्रश्न पूछा कि गांधी जी द्वारा जो 1942 में आंदोलन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो अपनी असर छोड़ चुका था और कांग्रेस के प्राय सभी नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, तो 1947 में ऐसी कोई वजह नहीं दिखाई दे रही थी कि जिससे एकाएक भारत ब्रिटिश शासन ने भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया। तो उसकी उनको ये पूछा गया इटली को प्रधानमंत्री को कि उसकी वजह क्या थी जब अंग्रेजों ने निर्णय लिया भारत छोड़ने का। इटली ने जवाब में कहा कि भारतीय सेना का जो ब्रिटिश शासन के प्रति जो बढ़ता असंतोष और विद्रोह था, और ये विद्रोह का जो प्रमुख कारण था नेताजी का आजाद, क्योंकि यही हुआ यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजादी फौज के जो अधिकारी थे उन पर अंग्रेजों ने काम चलाने का निर्णय लिया। तो जब उन पर कोर्ट में जब केस चलाए जा रहे थे दिल्ली में, तो उसकी वजह से पूरे भारत में बहुत बड़ा भारी असंतोष का वातावरण पैदा हुआ, क्योंकि उस समय आज़ादी फौज और सुभाष चंद्र बोस बहुत ही लोकप्रिय नेता बन चुके थे। तब फिर ये हाईकोर्ट के जज पूछते हैं, फिर मैंने गांधी जी इनको प्रधानमंत्री को पूछा तो फिर भारत को आज़ाद करने के फैसले में गांधी जी का क्या प्रभाव था। तो वो लिखते हैं कि ये सुनते हुए एटली ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, नहीं के बराबर। उन्हें शब्द ही प्रयोग किया था मिनिमल, उन्हें ये सब बोला MINIMAL मिनिमल अर्थात बहुत ही कम। तो ये और भी मतलब ये हम देख चुके हैं, आप इस पर भी और भी देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह के वीडियो में। तो समय के अभाव में भी बहुत छोटा सा जो एक प्रतीकात्मक वीडियो है, जिस प्रकार हमने राम जन्मभूमि के वीडियो में एक वीडियो में जो देखा था प्रथम वीडियो, जिसमें एक माँ जिसका अपना नौजवान पुत्र गोलीबारी में कार सेवा के दौरान मारा गया है, किस प्रकार मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचने के लिए वो नंगे पैर चलकर जब पहुंचती हैं, तो एक एक जो प्रतीक था कि किस प्रकार इसी प्रकार हजारों लाखों लोगों ने 500 वर्षों में इसी प्रकार के जो बलिदान दिए उनके पुत्र की तरह, या कितने लोगों ने जो प्रतिज्ञा ली थी पगड़ी नहीं पहनने की, या पैर में जूते नहीं पहनने की, या इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा ले रखी थी मंदिर के लिए, तो किस तो ये जो हमने एक प्रतीकात्मक कथा जो देखी थी, इस प्रकार एक जो प्रतीकात्मक कथा है सुभाष चंद्र बोस के लिए कि किस प्रकार उनकी उनके कहने पर हजारों लोगों ने, क्योंकि जब वो सिंगापुर जब पहुंचे थे तो वहां पर उनके कहने पर किस प्रकार वहां पे बसे भारतीय लोगों ने अपना तन मन धन देकर भारतीय हिंद सेना आजादी फौज के लिए रचना में उनको योगदान दिया, क्योंकि इस योगदान से लोगों के योगदान से भारत अंग्रेजों के सामने लड़ना कितना मुश्किल था, और किस प्रकार आजादी फौज लड़ते लड़ते भारत की सीमा तक आई और भारत की सीमा में उसने अपना भारतीय झंडा फहराया, जिसकी वजह से भारतीयों में लोगों में जो एक जागृति हुई, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ पर हम नहीं रह सकते।